वालेकुम मैथ प्री सेप्टर में आप सबका खुश आमदीद मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद आज के लेक्चर में हम बेस फॉर टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं बेस फॉर टोपोलॉजी इसको बेसिस फॉर टोपोलॉजी भी कहते हैं लेट एक्स्ट्रॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है अ सब कलेक्शन बी of टॉ इज सेट टू बी बेस फॉर टपोलॉजी ऑफ X, टोपोलॉजी की ऐसी सब कलेक्शन, जिसको हम स्टाइलिश बी से डिनोट कर रहे हैं उस टपोलॉजी की बेस होगी इफ एवरी मेंबर ऑफ टो कैन बी रिटर्न एज ए यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी अगर टपोलॉजी का हर मेंबर बी के कुछ मेंबर्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जाए मतलब कि टोपोलॉजी का हर ओपन सेट बी के कुछ ओपन सेट्स के पॉसिबल यूनियन के इक्वल हो तो इसका मतलब ये हुआ हम फिर ये कह सकते हैं सब कोलेक्शन ऑफ डेट जनरेट टॉ टोपोलॉजी की ऐसी सब कोलेक्शन जो उस टोपोलॉजी को जनरेट करे उसकी बेस होगी एग्जाम्पल नंबर वन लेट एक्सपी ए नोन एमटी सेट है टोपोलॉजी ऑन एक्स सपोज बी वन अ सब कलेक्शन हैविंग एलिमेंट्स सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी टू पॉइंट सेट बी सी एंड टू पॉइंट सेट बी डी ये बी वन इसकी एक सब कलेक्शन है अब हमें ये चेक करना है कि क्या बी वन इस स्टोलॉजी की बेस है या नहीं अगर तो बी वन के हर ओपन सेट का पॉसिबल यूनियन करने से टो तो का हर ओपन सेट जनरेट हुआ तो हम कहेंगे बी वन टोपोलॉजी की बेस है अदरवाइज नहीं तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ओपन सेट सिंगलटन ए और सिंगलटन बी इन दोनों का यूनियन किया तो हमारे पास टू पॉइंट सेट ए भी बन रहा तो है, तो है तो ये जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है सिंगलटन ए और टू पॉइंट सेट बी सी इनका यूनियन किया तो थ्री पॉइंट सेट ए तो ये ओपन सेट जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है सिंगल्टन ए और बी डी इनका यूनियन किया तो थ्री पॉइंट सेट आया तो ये ओपन सेट जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है सिंगलटन बी और टू पॉइंट सेट बी सी इनका यूनियन किया तो टू पॉइंट सेट बी सी आया तो ये ओपन सेट जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है सिंगलटन बी और टू पॉइंट सेट बी डी इनका यूनियन किया तो हमारे पास टू पॉइंट सेट बी डी आया तो ये ओपन सेट जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है टू पॉइंट सेट बी सी और टू पॉइंट सेट बी डी इनका यूनियन किया तो हमारे पास थ्री पॉइंट सेट बी सी डी आया जो कि ये ओपन सेट है ये ओपन जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है इन तीनों का यूनियन किया सिंगलटन ए सिंगलटन B बी और टू पॉइंट सेट बी सी हमारे पास क्या है ए बी सी ये ओपन जनरेट हो रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है इन सब का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन यूनियन किया सिंगलटन ए का सिंगलटन ए के साथ यूनियन किया ये ओपन सेट जोनेट हो रहा है सिंगलटन बी का सि, अपने आप के साथ यूनियन किया सिंगलटन बी हो रहा है उसके बाद हमारे पास कैपिटल एक्स रह गया इन सब का यूनियन किया तो हमारे पास ये ओपन सेट डोनेट हो रहा है तो आप देख सकते हैं बी वन के ओपन सेट्स का पॉसिबल यूनियन करने से इस टोपोलॉजी का हर ओपन सेट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बी वन टोपोलॉजी की बेस है एग्जाम्पल नंबर टू बेस फॉर डिस्क्रीट टपोलॉजी सो कलेक्शन ऑफ सिंगलटन सेट्स ऑफ अ डिस्क्रीट टेपोलॉजी इज अ बेस फॉर डिस्क्रीट अपोलॉजी डिस्क्रीट अपोलॉजी हमें पता है क्या होती है जो पावर सेट पे डिफाइन हो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टा इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स देन बी इज इक्वल टू सिंगल्टन एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स तो इसकी ये सब कलेक्शन इस डिस्क्रीट एपोलॉजी की बेस होगी फॉर एग्जाम्पल एक्स पी या नॉन एम टी सेट हैविंग थ्री एलिमेंट्स वन टू एंड थ्री एंड टार इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम टी सेट सिंगलटन वन सिंगलटन टू सिंगलटन थ्री वन टू वन थ्री टू थ्री एंड वन टू थ्री तो इसकी बेस क्या हो जाएगी फिर इसके सिंगलटन सेट्स की सब कलेक्शन, मतलब के सिंगल्टन वन सिंगल्टन टू और सिंगल्टन थ्री ये इसकी बेस होगी अभी देखते हैं बेस है या नहीं तो सिंगलटन वन और सिंगलटन टू का यूनियन किया हमारा सेट वन टू आ रहा है सिंगलटन वन सिंगलटन थ्री का यूनियन किया टू पॉइंट सेट वन थ्री आ रहा है सिंगलटन टू सिंगलटन थ्री का यूनियन किया टू पॉइंट सेट टू थ्री आ रहा है सिंगलटन वन का अपने आप के साथ यूनियन किया सिंगलटन वन टू का अपने आप के साथ यूनियन किया सिंगलटन टू सिंगल्टन थ्री का आपने आपके साथ यूनियन किया सिंगल्टन थ्री इन तमाम का यूनियन किया तो कैपिटल एक्स आ रहा है तो आप देख सकते हैं इस कलेक्शन का हर ओपन सेट का पॉसिबल यूनियन ताकि हर मेंबर को जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ यह सब कलेक्शन इस टोपोलॉजी की बेस है एग्जाम्पल नंबर थ्री बेस फॉर एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सो ग्राउंड सेट इज अ बेस फॉर एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमें पता है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है जिसमें एम टी सेट और ग्राउंड सेट हो, लेट एक्स पी एन नॉन एम टी सेट एंड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स ये कलेक्शन एक टोपोलॉजी है इसको हम इंडिसक्रीट टोपोलॉजी कहते हैं तो इसकी बेस क्या होगी ग्राउंड सेट तो आप देख सकते हैं इसका अपने आप के साथ यूनियन किया तो ये सेट जनरेट हो रहा है तो ये ग्राउंड सेट जो है इस टोपोलॉजी की बेस होगी एग्जाम्पल नंबर फोर बेस फॉर अ यूजुअल टपोलॉजी सो कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज अ बेस फॉर अ यूजुअल और स्टैंडर्ड टपोलॉजी जैसा कि पता है कि यूजुअल टपोलॉजी की जो ओपन सेट्स हैं ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में होते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू आर विद यूजुअल टपोलॉजी देन बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस दैन बी तो ये सब कलेक्शन आर की इस यूजुअल यूजोलॉजी की बेस होगी सपोज ये एक रियल लाइन है ए यहां पे ए यहां पे मैं जीरो ले रहा हूँ बी यहाँ पे मान ले रहा हूँ मतलब जीरो वन ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है अब इसी तरह अगर मैं ओपन इंटरवल लेता हूँ मेरे पास सपोज ये माइनस वन है ये टू है एक ओपन इंटरवल मैं ये लेता हूँ तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वन टू ओपन इंटरवल इसी तरह सपोज ये माइनस टू है ये थ्री है ये एक ओपन सेट ओपन इंटरवल है अगर मैं इन तीनों का यूनियन करता हूँ तो हमारे पास ओपन सेट आ रहा है माइनस टू और थ्री सपोज मेरे पास ये माइनस थ्री है और ये फोर है ओपन इंटरवल माइनस थ्री और फोर इन तमाम का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास ये ओपन इंटरवल आ रहा है माइनस थ्री फोर तो इस वे से आप देख सकते हैं इस कलेक्शन के ओपन इंटरवल्स के पॉसिबल यूनियन करने से टोपोलॉजी का हर ओपन सेट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये कलेक्शन यूजुअल टोपोलॉजी की बेस है मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा जिसमें आज हमने बेस फॉर टोपोलॉजी को डिफाइन किया और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू